हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या अग्रवाल आज आपको सिंधी टाके में ये राउंड पैटर्न बता रही हूँ। इसमें मैंने दो तीन स्टिच यूज़ किए, मिरर वर्क किया है, नेट स्टिच की है, लेजी डेजी का एक बनाया है, बटन होल किया है, ये भरवा टाइप से करा है इसमें। तो इस तरह से हम मल्टी स्टिच को यूज़ करके ये पैटर्न बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये अपना सिंधी एम्ब्रॉयडरी वाला ये पैटर्न को पूरा करते हैं। तो यहाँ से मेरा अधूरा है, यहीं से लेंगे इसको और यहाँ पर नीचे, क्योंकि ये देखिए ये वाला थ्रेड क्या है, ऊपर है ना, तो ये नीचे जाएगा। यहाँ हम ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ निकालेंगे। थ्रेड यहाँ ऊपर जाएगा हमारा और यहाँ अंदर जाएगा, इसलिए पहले ही अंदर डाल लिए। यहाँ ऊपर, अब यहाँ पर अंदर डालेंगे, ये हमारा अंदर क्या टका। फिर इसको करते हैं, यहाँ ऊपर रखेंगे, ये अंदर जा रहा है इसलिए पहले अंदर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर गया हमारा थ्रेड, इसको इस तरफ। अब हमें देखिए ये वाला इसके अंदर निकालना है, क्योंकि हमारा इस तरफ का साइड थ्रेड नीचे जाएगा और इससे लेंगे इसको, ठीक। यहाँ पर हमारा धागा ऊपर रहेगा ये वाला और ये अंदर जाएगा। अब यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ थ्रेड ऊपर, यहाँ भी ऊपर रखेंगे, यहाँ भी ऊपर रखेंगे और ये अंदर जाएगा। देखिए इस तरह का थ्रेड है और ये ऊपर है, तो ये नीचे जाएगा और यहाँ पर नीचे, ये नीचे है, ये वाला थ्रेड इस तरह का यहाँ ऊपर रह जाएगा। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हम अंदर डाल देंगे, इस तरफ लेके यहाँ ऊपर ही रखेंगे। अभी हमें तीन साइड, ये और ये अंदर, यहाँ लेते ये अंदर, यहाँ से ऊपर लेके यहाँ, यहाँ बीच में अंदर जाएगा हमारा थ्रेड और फिर ये यहाँ अंदर डाल देंगे। ये मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो 4 और 80 तो देख ही लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। 16 है, 23, काफ़ी सारे हैं ये, इस तरह से ये कच्चा टाका होता है। अब हम इसकी फिलिंग देखते हैं। फिलिंग भी जहाँ से अधूरा है हम वहीं से निकालेंगे, यहाँ से और ये फर्स्ट में नीचे, यहाँ पर आ गए, ये फर्स्ट में नीचे गया हमारा धागा और फिर ये छोटे वाले स्पेस में, फिर यहाँ फर्स्ट में नीचे गए जाएंगे और ये छोटे स्पेस में निकालेंगे और फिर इधर से देखते तो ये हमारा फर्स्ट पड़ता है, ये निकालेंगे, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से लेंगे, ये छोटे स्पेस में निकालेंगे और ये चार वाला है तो फर्स्ट में नीचे, इधर से थर्ड पड़ेगा वो, है ना। अब फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ आते यहाँ छोटे स्पेस में लेंगे, यहाँ लेते हैं। हमने सिंधी एम्ब्रॉयडरी के काफ़ी सारे वीडियो बनाए, करीब 100 वीडियो तो हैं ही हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको जो चाहिए मिल जाएगा। ड्रॉ है, पैटर्न ग्राफ है, कॉन्सेप्ट वीडियो है, डिज़ाइनिंग है, नेक डिज़ाइनिंग है, है ना, ये इस तरह से। स्मोकिंग का भी मेरा एक दो वीडियो स्मोकिंग के हैं और इसके भी हैं मुकेश वर्क के, यहाँ पर यहाँ छोटे स्पेस में, फिर यहाँ पर हम फर्स्ट में नीचे डालें और ये छोटे स्पेस में, फिर यहाँ पर आते
यहाँ और ये इसको लेते हैं। इस तरह से हम इसका एक साइड वाला फिलिंग कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से हमारी सेकंड राउंड की फिलिंग चल हो रही है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट में नीचे और फिर ये छोटे वाले स्पेस में लेंगे। यहाँ आते ये फर्स्ट में नीचे और ये साइड में, इस तरह से ये दो बार की फिलिंग हो ही रही है। यहाँ पर दो बार हमने कच्चा टका किया है तो हम दो बार में फिलिंग करेंगे। ये यहाँ यहाँ ले लेंगे फर्स्ट में नीचे और ये साइड में, ये छोटे वाले स्पेस में निकाल, ये बटन होल को करते हम तो ये बीच से एक निकालेंगे टाका और थोड़ा सा दूर से निकाल के एक चैन स्टिच बना लेंगे। क्या अगर वहीं से निकालेंगे तो धागा वापस नीचे चला जाएगा, इसलिए सेकंड वाले टाके में हम इसको बटन होल बनाएंगे। बीच से लेके धागे को इसके सुई के नीचे डालेंगे और ये इस तरह से राउंड शेप करेंगे। ये इस तरह से यहाँ ले लेते घुमा के। अपना एक हाथ आप थम में रख, धागे से रख के थम को दबा सकते हैं धागे में ताकि ये वापस फंसे ना। यहाँ अब इसको लास्ट में निकाल देंगे। ये जो हमारा चेन स्टिच वाला टाका था ना वहाँ पर से नीचे डाल देते हैं। अब इसका हम ग्रीन वाला नेट एम्ब्रॉयडरी करते हैं, इसको लेंगे। इसमें भी हमें बटन होल ही यूज़ करना है लेकिन हम इसके आउटर में इसको करेंगे। ये इसका थोड़ा सा एक साइड आगे जाके ये एक टाका लेंगे ये और फिर ये हमारी एक लाइन अगर इसमें आ रही तो हम एक लाइन कर डबल करेंगे और अगर हम इसमें दो राउंड कर सकते हैं तो दो राउंड कर लेंगे, जितना स्पेस है उस हिसाब से। ये टाका को टाइट करते जाएं, ये इस तरफ से घुमा के ये लेंगे। आपका थ्रेड अंगूठे से दबा रहना चाहिए, ये वाला थ्रेड। तो अपना फ्रेम ऐसे रखें कि आपके थंब आपका उसको पकड़ सके, थ्रेड को छोटे से छोटा फ्रेम इसमें यूज़ करना चाहिए। ये और फिर ये जो पहला टाका है इस चीज़ को निकाल देते हैं। अब हम सेकंड राउंड करेंगे तो इसके अंदर से लेंगे, ये इसके अंदर से और फिर इसके दूसरे वाले टाके से, ये वाले टाके से इसको फिल करेंगे। ये यहाँ ले लेते हैं इस तरह से, सेकंड सेकंड टाके को फिर इसमें फिल करते जाते हैं। जब हमारा पैटर्न बना रहता तो जगह भी कम होती है और हमें सब धागे को देख के करना रहता है। ये इस तरह से ये देखिए इस तरह से बंधते जाएगा और नेट का ये येलो से पहले लेंगे हम टाका अपना, ये येलो से पहले और ये ठीक है। इस तरह से इसको फिर घुमा लेते हैं और ये धागा थ्रेड को पकड़ के ये लेंगे। ये वाले स्टिच में धागा बल भी खाता है तो धागे में बल आता है और गठान लगती है, तो आपको पकड़ना, बीच में बल को भी खाली करना है थ्रेड का
जैसे अगर ये हम जितना घुमावदार स्टिच बनाते हैं उतना हमारा गठान लगने का रहता है धागे में, ये ऐसे। यहाँ से लेंगे, इसको पूरा फिल करेंगे, ये यहाँ से ले लिया हमने। और यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसको नीचे डाल देते हैं। तो ये हमारा एक टक हो गया। अब हमें इसको करना है, तो ये मैंने बनाया है भरवा से, तो हम इसको करेंगे इस तरह से यहाँ। फिर मैं ये ऊपर से नीचे लाती हूँ, तो ये यहाँ से ऊपर से नीचे लेके बीच में निकालेंगे और इसको बीच से बांधेंगे। ये स्पेस को यूज़ करना है, तो आप चाहे तो इसमें एक सिंधी एम्ब्रॉयडरी का एक सिंगल बॉक्स भी बना सकते हैं, पर मैंने इसमें ये भरवा पैटर्न यूज़ किया। ये इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। एक लास्ट टाका और ले लेते हैं, फिर हम इसको ये देखिए ये इस तरह से बनाते हैं। बनने से ये पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।